हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जो पीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक की परीक्षा होने वाली है 31/5/2022 को, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तो एडमिट कार्ड के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें देखिएगा मेन साइट पे कुछ तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड कैसे कीजिएगा। यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आप साइट पे जाइएगा और साइट पे लिखिएगा bpsc.bih.nic.in, ठीक है। यहाँ ओपन होगा, ओपन होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आप याद रखिएगा यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर जब क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा, तो आपका एक पेज खुलेगा जैसे देखिएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब फिर यहाँ से क्या करना है, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, ये पेज ऐसा होगा, ठीक है दोस्तों, ये पेज ऐसा होगा। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको क्या बोलेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई किए थे तब ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा, और यूज़र नेम पासवर्ड डाल दीजिएगा और ये कैप्चा डाल दीजिएगा, और कैप्चा डालने के बाद लॉग इन कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड जो है राइट साइड पर शो करेगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेप का काम है, यानी कि 3 से 4 स्टेप में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और इस प्रकार एडमिट कार्ड आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो इसको लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।